फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के बारे में। स्नैपड्रैगन का बिल्कुल ही लेटेस्ट नया ताज़ा प्रोसेसर है और इसके ऊपर फ़ोन्स भी आने शुरू हो गए हैं, जो अभी IOQQ ऐसी करके बेकार सा नाम है, लेकिन वाइवो ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, 5G केपेबल फ़ोन है और वो स्नैपड्रैगन 865 के साथ है। आप जितने भी लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स आएंगे, फ्लैगशिप का मतलब जो उस कंपनी का, किसी फ़ोन कंपनी का सबसे महंगा, सबसे अच्छा नंबर वन फ़ोन, उसको बोलते हैं फ्लैगशिप फ़ोन। तो आप जितने भी फ़ोन्स आएंगे वो 865 प्रोसेसर के साथ आएंगे, जब तक अगला लॉन्च नहीं होता जिसमें कुछ महीने। और 865 के साथ एक ये खूबी है कि ये सिर्फ 5G केपेबल फ़ोन्स के साथ ही चलेगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मोटा मोटा इसके फीचर्स क्या हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है, और 855 जो अब तक का जो लेटेस्ट प्रोसेसर था 865 आने से पहले, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि इसके हाई लेवल फीचर्स क्या हैं, तो वो चार पांच में आप एक ये लगा लो, हेक्सागन का 698 प्रोसेसर है, एड्रीनो का 650 GPU है, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ग्राफिक कार्ड, 25% फास्टर बोल रहे हैं किससे, जो कि पिछला आया था 630 से। घंटा पता नहीं लगता कि फास्टर है या नहीं है, 25% आप नापते रहना ना, लेकिन बस ये बोलने के लिए। स्पेक्ट्रा 480 ISP ये एक नया फीचर है, इसके ज़रिए आप इमेजेस, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, अप टू 200 मेगापिक्सल इमेजेस तक की प्रोसेसिंग हो सकती है इससे, न्यू सेंसिंग हब, और कुल मिला के यही है। ये चार पांच इसमें नए फीचर्स हैं जिनको मार्केट किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स 5G केपेबल फ़ोन्स में चलेगा, तो जिस फ़ोन में 865 है 5G होगा ही होगा। 5G इंडिया में अभी घंटा अवेलेबल नहीं है, तो 5G लेके आप करोगे क्या, चलेगा ही नहीं। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे 5G की सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल होंगी, तब तक तो फ़ोन भी सस्ते हो जाएंगे, तो तभी ले लेना, अभी क्या करना है। लेकिन फिर मैं आपको हाई लेवल बताता हूँ कि ये फ़ोन में जो नए फीचर्स मार्केट किए जा रहे हैं 855 के कंपैरिजन में, इनका क्या फंडा क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों फोटोग्राफी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, तो अगर आपको 855 वाले फ़ोन जो कि ऑलरेडी फ्लैगशिप थे अब तक के, उनकी फ़ोटोग्राफी में कोई दिक्कत लगी है, तो आप इस पर आ सकते हो। इस पर आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे बनेंगे, हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ अगर आप बनाओगे 8K तक के बन सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें जो स्पेक्ट्रा 480 ISP आ रहा है, इसकी वजह से आप जो इसको इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग मिलती है वो अप टू 2 GB पर सेकंड तक की स्पीड होती है, 2 GBPS, 2 GB पर सेकंड, बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसकी वजह से पॉसिबल है कि आप 8K वीडियोस बना सकते हो 30 FPS पे, राइट। अब तक ये पॉसिबल नहीं था, तो पहली बार ये फ़ोन में एक ऐसा फीचर आया, क्योंकि अब तक सिर्फ 4K पे बनता था 30 FPS, अब 8K पे भी बना सकते हो। और क्योंकि 8K 30 FPS पे बन सकता है, तो 4K तो उससे काफ़ी लोअर है, 8K के सामने काफ़ी लोअर है, हालांकि 4K हमको बहुत ज़्यादा लगता है, वो अप टू हॉपिंग 120 FPS पे बना सकते हो, तो क्वालिटी अमेजिंग होने वाली है वीडियोस की। इस फ़ोन का जो GPU है कॉलकॉम एड्रीनो 650 लेटेस्ट है, 865 के सारे फ़ोन्स के साथ आएगा, और इसकी वजह से जो ग्राफिक प्रोसेसिंग है, इमेजेस वगैरह हैं, गेम्स वगैरह बहुत अच्छे चलेंगे, और बोला ये जा रहा है कि 855 से 25% फास्टर चलेंगे। अगर आप गेम्स खेलते हो नॉर्मल क्या पबजी जैसे गेम भी खेलते हो, तो गेम अगर लैग फ्री है तो ठीक ही चल रहा है आपको, 25% वगैरह ऐसा कोई बोलने की बात है, फ़र्क पता नहीं लगता है। फ़ोन आता है सेंसिंग हब के साथ। अगर आपने गूगल पिक्सल 4 अब तक यूज़ किया है, तो उसमें ये फ़ीचर था। गूगल 4 पता नहीं मेरे को इंडिया में लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने US में देखा था। लेकिन सेंसिंग हब एक ऐसा फीचर है कि फ़ोन्स में एक इस तरीके के सेंसर्स होते हैं दैट दे आर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग जेस्चर्स। जेस्चर्स में आप अलग अलग जेस्चर्स करोगे तो उसके कस्टमाइज्ड एक्शंस होते हैं, कस्टमाइज्ड यानी कि एक सेट एक्शन तो हो ही रहे हैं जो कि फ़ोन में ऑलरेडी फेड हैं, इसके अलावा आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि आप क्या हाथों का जेस्चर करोगे या क्या फेस का जेस्चर करोगे जिसको फ़ोन डिटेक्ट करेगा, और एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, चाहे वो फ़ोटो खींचना हो, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, ये सारे के सारे फीचर्स आप जेस्चर से चला सकते हो। तो ये सेंसिंग हब की वजह से फीचर चलता है। कुल मिला के ये फ़ोन
बिकेगा तो इसलिए बिकेगा क्योंकि कुछ लोगों को फ्लैगशिप फ़ोन लेने का कीड़ा होता है, भले ही अगले 3 महीने में वो फ़ोन पुराना हो जाए और नया फ्लैगशिप फ़ोन आ जाए। तो एक तो फ्लैगशिप की सनक की वजह से बिकेगा, दूसरा इम्प्रूव फोटोग्राफी। तो 855 पे जो अब तक फ़ोन आ रहे हैं जो ऑलरेडी 30,000 तक के मिल जाते हैं, वो फ़ोन्स की फ़ोटोग्राफी से अगर आप खुश नहीं हो तो इन फ़ोन्स में आपको फ़ोटोग्राफी और बढ़िया मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि अप टू 2 GB पर सेकेंड की स्पीड से सिग्नल, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग होगी। आप बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकते हो, 64 MP तो बहुत आम बात है इस फ़ोन के लिए, जिसमें फ़ोटोज़ बहुत जल्दी खींचेंगी, उनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी प्रोसेसर की वजह से, और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं। तो कुल मिला के ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क 855 से 865 में नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में 865 प्लस की हो सकता है अनाउंसमेंट कर दें, दैट इज़ अनदर मार्केटिंग गिमिक, उसको बोलेंगे वो 5-10-15% फास्टर है तो आप उस पर चले जाना, लेकिन अभी जाके मेरे को इसमें कोई ख़ास बात लगी नहीं लेने लायक। 5G है, 5G इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव, और ये बोला जा सकता है कि हाँ भाई ये 865 है 5G सपोर्ट करता है, सपोर्ट ही करता है, लेकिन जब इंडिया में है ही नहीं तो क्या यूज़ करोगे, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट गिव इट अ थम्स अप। अभी ये ऑलरेडी 34,000 का फ़ोन लॉन्च हुआ है, आगे जाके धीरे धीरे इसका प्राइस ड्रॉप होगा, जैसे जैसे और फोन्स आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तब लेना ले लेना। आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दिए, इस तरीके के क्या क्यों कैसे वाले वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।